बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हम जा रहे हैं शादी पे, पैकिंग वगैरह कर ली है मैंने, बाल कटवाने वाले रह गए हैं। बाल कटवाने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ। किसकी शादी है, क्या हिसाब किताब है, सारी डिटेल आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा मैं इंशाल्लाह। पहले था कि मैं भाई मुबशर, भाई मुदस्सर और भाई मुकरम हम चारों जाएंगे शादी पे, लेकिन अभी 50-50 है भाई मुदस्सर का भी और भाई मुकरम का भी कुछ वजूहात की वजह से। बाकी इनका दिल तो पूरा है जाने का। भाई मुदस्सर जो है ना एडवांस में बाल कटवा रहे हैं, हो सकता है कि इनको जाना पड़ जाए। तो पैसे हैं आपके पास? हाँ जी। चलिए जी, चलो जी। मेरे वट पड़ रहा है पेट में, पेट खराब हो गया, वो वट पड़ रहा है, जाओ नाच जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाल कटवा लिए हैं और बाल कटवाते हुए मुझे बहुत ज्यादा नींद आई हुई थी। पीछे भाई मुदस्सर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बाल कटवा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी तैयारी पूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हूँ जाने के लिए, अभी निकलते हैं। अरफा से बड़ी मुश्किल से जान छुड़वा के मैं आ चुका हूँ नए घर। अरफा बड़ी हो चुकी है, तो जब भी वो किसी को आता जाता देखती है ना, तो उसकी कोशिश होती है कि मैंने इसके साथ ही जाना है। सबसे मेन और अहम सवाल कि शादी किसकी है। अपने महफूज भाई यूके वाले, जिनके पास हम यूके गए थे, उनके बड़े बेटे की शादी है मीरपुर में। वो सारी फैमिली मीरपुर में आए हुए हैं, शादी भी मीरपुर में है। यूके नहीं जा रहे हम, मीरपुर जा रहे हैं। मैं और भाई मुबशर तो कंफर्म थे कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे। भाई मुकरम और भाई मुदस्सर का मैंने पहले भी आपको बताया कि 50-50 है, तो भाई मुकरम का तो 100% हो गया है, वो जाएंगे। अभी भाई मुदस्सर का नहीं पता, भाई मुदस्सर घर मौजूद ही नहीं है। मैं और भाई मुबशर तैयार होके आ चुके हैं, तो अभी पता नहीं वो कहाँ पे है। असल में भाई मुदस्सर के ना जाने की वजह जो है ना, वो है जू। जू भी तो संभालना है ना, पीछे कोई भी नहीं होगा। तो अभी पता नहीं वो किसी को जुम्मेदारी देते हैं, क्या चक्कर चलाते हैं, वही जाने। टाइम आप देख सकते हैं 10:30 हो रहे हैं और भाई मुदस्सर का बेटा मोहम्मद उठ चुका है। तो अभी भाई मुदस्सर जो है लाडियां कर रहे हैं, और ये लाडियां जो हैं पता नहीं कितनी देर तक चलेंगी। भाई साहब ऑलरेडी हम लेट हैं, मैं और भाई मुबशर आपको पता ही है कब के तैयार हो के आगे हुए हैं। मुबारक हो जी, मुबारक मुबारक, भाई मुदस्सर रेडी हो गए ने, चलो चलिए यार। मुबारक, मिठाइयां वंड दियो, साडा भरा तैयार हो गया, शापरा लियो। 10:35 हो रहे हैं, भाई मुदस्सर भाग के साइड पे छुपने लगे हैं भाई मुकरम को ना सरप्राइज देना। सरप्राइज क्या, प्रैंक ही हो जाएगा भाई मुकरम के साथ। उनको यही हमने बताना है कि भाई मुदस्सर हमारे साथ नहीं आए, तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। मुझे तो लगता है कि नॉर्मली रिएक्शन होगा, आपको क्या लगता है? नॉर्मल उन्होंने, अच्छा चलो सही है। मैं कह रहा हूँ कि आपने कहना है कि मुदस्सर भाई तैयार नहीं हो रहे थे, तो हम छोड़ के आ गए गुस्से में, तो देखते हैं भाई मुकरम क्या कहते हैं। भाई मुबशर कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं बोलना, आप नहीं बोलना जो बोलना है। मेरी बात पे ना उनको यकीन कम ही आएगा, लेकिन कोशिश करेगा लड़का अपनी झूठी मूठी एक्टिंग करके उनको बताने की। जाना जी हुंदा फिर बंदा जरा टाइम ना तैयार हुंदा यार। सही है यार, एक जवान हुंदा ही छड्ड आया गुस्से नहीं, वो बहुत सही कीता, मैं तैयार हां भाई मुदस्सर नु ही छड्ड आया। भाई मुबशर इको गल आ देने, वक्त की पाबंदी करो हमेशा, तुम भी लेट हो हूं अं आते रेडी ना हो जाते, तुम भी छड्ड जाना है। एक तो जवान ही छड्ड आया, साड़ी जान रोंदा होना। नहीं टाइम क्यों शक पै गया ही, लेकिन मैं कूल रहा, मैं जेड़ी भी गल होगी अद्धे किलोमीटर बाद पता चल जानी है। चलें जी अभी सफर करते हैं और निकलते हैं सीधा मीरपुर। सियालकोट में थोड़ा सा काम है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो वो करेंगे ना, फिर डायरेक्ट हमने जाना है मीरपुर। तो मीरपुर का काफी ज्यादा सफर है हमारे गाँव से, तो अभी चलते हैं जी। भाई कह रहे हैं करनी है शॉपिंग वाले, तुम तो 5-6 हजार वेस्टकोट ले ली। नहीं सर, खुदा गवाह है इस बंदे ने महंगी ली थी, अहीं ओ माड़े मन्ने वाली 4,000 बिल बिल दसो जी, जे 4,000 दी होई किन्ने दी? ये 4,000 दी होई भाई मुकरम यार, ये वही बात है उस। मैंने घर में जाके सस्ती चीज बताई, ठीक है, जैसे ये वेस्टकोट फर्ज करें 6,000 की आई है, मैंने कहा 3,000 की लेके आया हूँ, भाई ने कहा ये ले 3,000, अब अपने लिए और ले आना। मुझे ये दे दे, मुझे ये दे। भाई मुदस्सर आप 4,000 में ले लें इनसे, बल्कि 5,000 दे दें। वो मसला कोई नहीं, मुदस्सर भाई एन जी ले लें, लेकिन उन्होंने आनी नहीं आएगी, मेरा सेम आ जानी है, ठीक है, तो आ जाती है।
सफर हमारा शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाड़ी में 200 किलोमीटर चलने का ही पेट्रोल है, तो अभी इसमें पेट्रोल डलवाते हैं जी। 11,500 का पेट्रोल डल गया है अपनी किया में, 35-35 लीटर के करीब करीब 624 किलोमीटर चल जाएगी अपनी गाड़ी अभी। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट पहुंच चुके हैं, सबसे पहले करेंगे शॉपिंग। या जब भी कोई गिफ्ट लेना होता है ना, मुझे क्या हम सबको समझ नहीं आती क्या लेके दें, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज आपको पसंद हो वही अगले बंदे को गिफ्ट करनी चाहिए। तो हमें जरा टेक का शौक है, हम सब भाइयों को मोबाइल वॉचेस इस तरह की चीजों का। तो कुछ दिन पहले भी एप्पल वॉच ली थी और आज एक और एप्पल वॉच लेंगे। आज सलमान अपना वन एंड ओनली, उसके लिए एप्पल वॉच लेनी है। भाई के पास हम पहुंच चुके हैं, तो आते ही हमने स्पेशल एडिशन वाली एप्पल वॉच ले ली है। तो ज़ैन भाई की बिल्कुल चॉइस एक्सीलेंट है जी, माशाल्लाह। ज़ैन भाई हमेशा कलरों को बड़े अच्छा देख के लेते हैं कि कलर कौन सा होना चाहिए। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा है। और ये भी मेरी तरफ से, लंदन स्टडी की तरफ से स्पेशल गिफ्ट है आपको। थैंक यू सो मच, वेलकम। एप्पल वॉच ले ली, अभी कुछ सूट हमने लेने हैं, वही लेने के लिए हम जा रहे हैं। इस रोड से गुजर के हमने जाना था, लेकिन इस रोड पे ट्रैफिक बहुत है। ये सामने निशात, इस ब्रांड की आज ही ओपनिंग है, ओपनिंग हो चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर। ये हमारे भाई ऐसे घूम रहे हैं जैसे इनका अपना स्टोर है। तो भाई साहब एक सूट मैंने ये करवाया है, ये मुझे अच्छा लगा, ये वाला ना कढ़ाई हुई थी मशीन ना, दो हो गए एंड शॉपिंग करी दा, पांडा लाओ कम मकाओ। अभी मर्द हजरात के सूट लेने हैं, तो वो पीछे डिसाइड हो चुके हैं। कलर डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जी, तो अभी कलर वगैरह डिसाइड हो चुके हैं, तो तीन सूट जो हैं भाई अभी निकाल के देंगे हमें। इतनी सारी शॉपिंग कर ली है, कुछ बैग भाई मुकरम के हाथ में भी हैं। हमारी शॉपिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक भाई हैं हमारे भाई मुदस्सर, उन्होंने अभी शॉपिंग करनी है, शर्ट्स लेनी है। ठीक करे को या थे, शॉपिंग वगैरह ख़त्म करके आए हैं सीधा मैकडोनल्ड पे। मैकडोनल्ड पे इसलिए आए थे कि खाना जल्दी मिल जाएगा, लेकिन भाई साहब ऐ हुआ जिमें इलाका ही इतने आ गया था सारा, पूरी वो आगे तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है ड्राइव थ्रू पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा लंगर आ चुका है, मैंने बिग मैक करवाया था, भाई का भी बिग मैक था। हो गया यार, हमारा बर्गर महंगा था, हाँ छोटा है, 10 रुपए का था सस्ता, लेकिन बड़ा 70 रुपए सस्ता है, 80 रुपए सस्ता है इनसे यार। ये ज्यादती की है इन्होंने, फिर इन्होंने मंगवाया ना, हाँ हमारा बीफ है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी बर्गर हमने खा लिया है, तो अभी मीरपुर के लिए निकलेंगे। तकरीबन 150 किलोमीटर है यहाँ से मीरपुर, और 3 घंटे और 6 मिनट लगेंगे भाई साहब। अपने गांव से हम जा रहे हैं मीरपुर। मीरपुर यहां से चंद किलोमीटर्स की दूरी पे है, हम जेहलम की तरफ से होते हुए नहीं जा रहे। हमने सराय आलमगीर से टर्न ले लिया था, इस सड़क से हम पहले कभी मीरपुर नहीं गए। तो इस रास्ते के साथ साथ नहर गुजरती है, और इस नहर का नज़ारा जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगता है माशाल्लाह। पीछे से पानी एकदम स्मूथ आ रहा है, और आगे देखें वाह माशाल्लाह, यहाँ बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है। सराय आलमगीर से लेके यहाँ तक, आगे का नहीं पता, यहाँ तक सड़क के साथ साथ नहर आती है। मीरपुर पहुँचने से पहले हम रुके हैं सर्विस स्टेशन पे, गाड़ी की काफी बुरी हालत थी तो गाड़ी को धुलवा लेंगे। और नमाज का टाइम हो चुका है, नमाज असर का, तो अभी नमाज पढ़ते हैं। सामने मस्जिद है माशाल्लाह, और यहाँ से 17 किलोमीटर है मीरपुर। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज असर हमने इस प्यारी सी मस्जिद में अदा की है, बहुत ही खूबसूरत सा पेट्रोल पंप इन्होंने बनाया हुआ है, इधर खूबसूरत सी घास लगाई हुई है, वो सामने सर्विस स्टेशन है, गाड़ी अपनी अभी भी धुल रही है। ये भाई धड़ाधड़ अपनी किया को धो रहे हैं, और अपनी किया से इतनी मट्टी उतरी है ना कि क्या बताऊं आपको यार। अल्हम्दुलिल्लाह जी गाड़ी अपनी धुल गई है, देखें कैसे चमक गई है यार। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो धुल गई है, अपनी 700 रुपया लगा है, लेकिन गाड़ी चमक गई है। तो अभी निकलते हैं जी मीरपुर की तरफ, केक्स एंड बेक्स पे आए हैं, यहाँ से मिठाई लेनी है। आई थिंक मिठाई मिली ही नहीं, नहीं मिली limited. क्या लिमिटेड ऑप्शंस हैं, खान दी भाई दिया यार। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मीरपुर में पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में सूरज भी ग्रूप हो जाएगा। दूसरी जगह पे आए हैं एमनाबाद बर्फी, तो अभी यहाँ से लेते हैं बर्फी। हम जी आ चुके हैं बर्फी की दुकान पे, तो ये स्पेशल बर्फी है इनकी एमनाबाद वालों की, बहुत ही मजेदार। साड़ियाँ चेक करने वाली मशीन,
ये दोनों बंदे हर टाइम शिकार पे होते हैं, कोई भी चीज़ मुफ्त मिल जाए सही बस। ये जी बर्फी टोकरी में भाई ने डालना शुरू कर दी है माशाल्लाह। पीछे ही रखें या आगे, जो बैठेगा वो पकड़ ले। माशाल्लाह जी ऐसे मिठाई की टोकरी जो है उठा ली है। और ये भाई भाई इधर देख, आप भी इस बात की तस्दीक कीजिएगा जब भी कोई चीज ले इस तरह की, खासकर मिठाई वगैरह, कस्टमर का ये हक बनता है कि वो चेक करे। जी बिल्कुल, कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल लेगी नहीं। ये हमें गिफ्ट मिला, मिलिया गया बंदे का, जरा चेक करा जा तंग किया भाई, राजी नहीं थे ये देने में ना। लेकिन भाई मकरों ने बात सुना के ये एमनाबादी टॉफी काफी फेमस है, ये ले ली है। नहीं नहीं मनु थोड़ी यूनिक लगी, मैंने चेक करी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह जी घर के बाहर पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ी देर में सुलमान निकलेगा बाहर। हमारे दुल्हा भाई माशाल्लाह, ये हमारे सैफ भाई हैं माशाल्लाह, महफूज भाई के बड़े बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह जी शादी वाले घर पहुंच चुके हैं। आज आई थिंक मेहंदी है, आज मेहंदी है तो अभी लड़का रेडी भी होगा, कपड़े शपड़े पहनेंगे। मैं तो ऐसे ही रफ कपड़ों में ही आया था क्योंकि सफर करना था, तो मैं ऐसे कपड़ों में कम्फर्टेबल रहता हूँ। लाइट्स लगी हुई है, देख रहे हैं ना, चलते हैं अभी। माशाल्लाह जी बड़े भाइयों के फायदे, तो मैं ये रेड वाला कुर्ता पहनने वाला हूँ। रेड क्या ये मरून नहीं है, कलर कौन सा है? चलो रेड मरून जो भी है ये वाला, और साथ व्हाइट ट्राउजर होगा और ब्लैक चप्पल। तो ये अपने कपड़े होने वाले हैं। पता नहीं अब लड़का कैसा लगता है, तो अभी जल्दी जल्दी रेडी होते हैं। हम ऑलरेडी लेट पहुंचे हैं, तो मेहंदी का फंक्शन थोड़ी देर में शुरू हो जाना है, मैरिज हॉल में जाना है। तो ये एक टोकरी सी है, मेहंदी की ही रस्म है, तो इसे लेके मैं और महफूज भाई जा रहे हैं। भाई लोग अभी शावर वगैरह लेंगे, रेडी होंगे, फिर भाई लोग भी पहुंच जाएंगे, मैं और महफूज भाई निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम मार्की पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं महफूज भाई तो मार्की पहुंच चुके हैं। भाई बशर लोग और सलमान जो है वो पीछे हैं, थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे। भाई बशर ने शावर वगैरह लेना था, मैंने सबसे पहले शावर वगैरह लिया। लड़का रेडी, साडा रेडी होना तुम्हें पता ही है फिर। वेलकम सर, ओ ओ प्लीज शो मी योर लाइसेंस। ओ पीछे जी लग रहे हो, करो भाई करो, का दिल कर रहा है पैसे उठाने का। चोकलो चोकलो आगे, ऐ देखो बाहर ढोल धमाका चल रहा है, तो हम चारों भाई जो हैं अंदर आके बैठ गए हैं। अभी खाना खुल चुका है तो अभी खाते हैं खाना। अंदर थोड़ा शोर था, मैं और भाई मुकरम बहुत ज्यादा शोर। दो घंटे कान बजे साढ़े पहले ढोल टपका चलिया, फिर गाने चल गए थे, तो शोर शोर में ही खाना खाया है। तो चाय जो है ना अपनी कश्मीरी चाय वो लेके हम बाहर आ गए हैं। फाइनली जी मेहंदी खत्म हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं घर। रात के क्या टाइम हो रहा है, रात के पौने 12 और सब थक चुके हैं। हम तो काफी सफर भी करके आए थे, भाई लोगों ने तो नींद भी पूरी कर ली थी गाड़ी में, मैं तो सोया भी नहीं हुआ। तो अभी चलते हैं घर और चल के सोते हैं। तो खैर आज का व्लॉग जो है ना यहीं पे खत्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।